As you all know that I am your SST mentor on Education Hacks channel. तो hello to everyone. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें आप MCQ क्वेश्चंस तो कवर कर ही रहे हैं लेकिन के साथ साथ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग इन सभी क्वेश्चंस में भी आपको मदद मिलने वाली है. तो बिना किसी देरी के हम वन बाई वन हर एक क्वेश्चंस को समझते हैं. ठीक, तो देखिए पहले MCQ स्टार्ट होगा चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से. तो चलते हैं पहले MCQ और हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली. कौन से ऐसे पर्सन ने यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया था. ये क्वेश्चन 2012 में आया भी है दिल्ली में. तो आप सभी को पता यंग इटली किसने फॉर्म किया था. एक रिवोल्यूशनरी पर्सन ने जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जर्मन के यूनिफिकेशन में और वो पर्सन है जोसेफिन मज़ेनी. यू ऑल नो दैट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हु सेड व्हेन फ्रांस नीचे द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड. ये किसने कहा था कि जब फ्रांस छीकेगा तो पूरे के पूरे आपके यूरोप को सर्दी लग जाएगी. 1813 में जुलाई रिवोल्यूशन के दौरान आपके ड्यूक मेटरनिच ने कहा था. ये एक कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का पर्सन था और 1813 में जुलाई रिवोल्यूशन में जब फ्रांस में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई, रीस्टैब्लिश हो गई, तो उसी पर्टिकुलर चीज़ के बाद इसने ये स्टेटमेंट दिया था ड्यूक मेटरनिच ने. ये एक कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का पर्सन था जो पुरानी विचारधाराओं को मानता था और इसी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब फ्रांस छिकेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाएगी. तीसरा हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे लीडिंग रोल प्ले किया था आपके ऑटोमन बिस्मार्क ने. ये पर्शियन चीफ मिनिस्टर था और आपके जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे अहम रोल प्ले करने वाला पर्सन था ऑटोमन बिस्मार्क. इनफैक्ट इटली के यूनिफिकेशन में भी इसने रोल प्ले किया था लेकिन आपके जर्मनी के यूनिफिकेशन में इसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. नेक्स्ट हु वॉज प्रोक्लेम द एम्पायर ऑफ जर्मनी इन 1871 में जब जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है तो यूनिफाइड जर्मनी का जो पहला क्या कहते हैं एम्पायर बनता है वो बनता है कैसर विलियम फर्स्ट. ठीक, नेक्स्ट विच सिटी रिकनगनाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. ग्रीक इंडिपेंडेंट नेशन किस सिटी के दौरान रिकनगनाइज किया था. सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनपोल 1832. ठीक, नेक्स्ट रोमांटिज्म रिफर्स टू ये एक रीजनल एक कल्चरल मूवमेंट था. नॉट अ रीजनल मूवमेंट, इट इज़ अ कल्चरल मूवमेंट. ओके, ये एक कल्चरल मूवमेंट था जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना क्रिएट कर रहा था. पोएट, इसके बाद स्टोरीज, म्यूजिक, इन सभी चीज़ों के माध्यम से सभी लोगों को इंस्पायर कर रहा था कि नेशन स्टेट को एस्टैब्लिश करो और मल्टी डायनेस्टी सिस्टम को हटाओ. ओके, तो इट इज़ अ कल्चरल मूवमेंट. ओके, जॉलवरिन स्टार्ट इन 1834 इन पर्शिया रिफर्स टू हुआ ये कस्टम यूनियन था. इस कस्टम यूनियन को आपके 1834 में लाया गया था. इसलिए लाया गया था ताकि जो बहुत ज़्यादा बैरियर्स हो रहे थे ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने के लिए और नंबर ऑफ करेंसीज को रिड्यूस करने के लिए 1834 में आपके जॉलवरिन या कस्टम यूनियन को वहाँ पे आपके पूरे यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक, हु आर द जंकर्स. जंकर्स पर्शिया में जंकर्स किसे कहा जाता था. पर्शिया में जंकर्स प्रसा सॉरी में जंकर्स उन्हें कहा जाता था जो लार्ज लैंड ओनर होते थे, जो बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, उनको प्रसा में आपके जंकर्स बोला जाता था. ठीक, नेक्स्ट नेशनलिस्ट का मतलब क्या है. नेशनलिज्म विच इमर्ज एज अ फोर्स इन द लेट 19th century मीन्स नेशनलिस्ट का मतलब क्या है. चार ऑप्शन दिए गए. देखिए स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर. सेकेंड स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री विदाउट अप्रिसिएशन फॉर अदर नेशन. थर्ड स्ट्रॉन्ग लव फॉर वन ओन कंट्री एंड हेटर्ड फॉर अदर. ये भी गलत है. इसके बाद डी आपका इक्वली स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर ऑल कंट्रीज टू द वर्ल्ड. ये भी गलत है. आपका पहला सबसे सही है कि देश के प्रति कुछ करने की चाहत जो होती है उसी को नेशनलिज्म की भावना कहा जाता है. तो फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा आपका. पहला इसमें आपका करेक्ट है स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वॉज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर द रिवोल्यूशन ऑफ 1879 के पहले फ्रांस में जो गवर्नमेंट थी वो सभी को पता है. ठीक है, राजा महाराजा वाली सरकार हुआ करते थे, मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती थी. तो डी इसका करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हु बिकम द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1861 में जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो वहाँ का सबसे पहला किंग कौन बना. तो वो बना था विक्टर इमैनुअल सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन. नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हराने वाली जो शक्ति थी वो थी ऑस्ट्रिया, प्रसा, रशिया और ब्रिटेन. इन चार बड़ी शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था. ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, प्रसा, रशिया और ब्रिटेन. हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली. ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, आप सबको पता है इसमें होगा भाई जोसेफी मज़ेनी. ओके, द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. लिबरल और नेशनलिज्म का मतलब क्या है. लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है. लिबरल देखो लिबरल लोग क्या थे. लिबरल लोग ऐसे लोग थे जो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पे सभी पर्सन एक बराबर हो.
किसी के पास कोई भी प्रिविलेज राइट ना हो, सारे के सारे पर्सन एक बराबर हो, एक समान हो, ठीक। तो यहाँ पे मतलब है लिबरल का, मतलब लिबरल का जो होगा वो पहला ही है सीधा सीधा, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट, द नेपोलियनिक कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नेपोलियनिक कोड को सिविल कोड भी कहा जाता है। 1804 में आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और हर उस जगह पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था जो पर्टिकुलर फ्रांस के अंडर में था, तो रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया आपका, अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान रीजन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो बल्कान था ये पर्टिकुलर जो रीजन था किसके अंडर में था, तो सबको पता ऑटोमन एम्पायर के। नेक्स्ट, द फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विद इट कोर वर्ड्स लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी। सबको पता है क्लास 9 पहला चैप्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन ने ही हमको लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रटर्निटी का आइडिया दिया था, तो बी ऑप्शन फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब देखिए चैप्टर 3 आपका आ गया है नेशनलिज्म इंडिया, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं, तो लेट स्टार्ट। वाई डिड गांधी जी ऑर्गनाइज सत्याग्रह 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 1917 में जब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो क्यों किया गया था, वहाँ के जो वर्कर्स थे, ठीक है, वहाँ के वर्कर्स के लिए टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई डिमांड। वहाँ के जो वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बहुत ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया थे सॉरी, तो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा था, तो उस रेवेन्यू डिमांड को कम करने के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। नेक्स्ट, वाई वाज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन चंपारण इन 1916। 1916 में चंपारण में सत्याग्रह क्यों हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो आपके वहाँ के फार्मर से ज़बरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन करवा रहे थे, तो टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम के लिए वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। साइमन कमीशन को इंडिया क्यों भेजा जा रहा था आपके ब्रिटिश के टॉरी गवर्नमेंट द्वारा, तो साइमन कमीशन को इंडिया इसलिए भेजा जा रहा था ताकि इंडिया में आके वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर सकें, ठीक है, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर सकें और इंडिया में कुछ चेंजेस कर सकें, तो टू लुक इन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म ए। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, वाई वाज अल्लूरी सीताराम राजू वाज वेल नोन। ये बहुत फेमस क्यों थे अल्लूरी सीताराम राजू जी बहुत फेमस क्यों थे, ये फेमस इसलिए थे क्योंकि आंध्र प्रदेश के ये ट्राइबल थे और इन्होंने मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है, मतलब कि इसका ए। नेक्स्ट, हु विजुलाइज एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू पेंटिंग। एक पेंटिंग के माध्यम से भारत माता की पिक्चर को कौन बनाया था, मतलब कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, वो थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर डी। नेक्स्ट, विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इंडिया के किस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने सपोर्ट किया था, तो वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ठीक, बी ऑप्शन पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ठीक, और भी पर्सन थे लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मैं कवर करना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस साल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930। 12 मार्च को डांडी मार्च उन्होंने स्टार्ट किया था, साल्ट लॉ को ब्रेक करके ही फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट की। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को खत्म हुआ, 240 माइल कवर किया 24 दिनों में 78 वॉलंटियर्स के साथ, और ये इन्होंने स्टार्ट किया था साबरमती से और 6 अप्रैल को पहुंचे थे डांडी, वहां पर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सॉरी आपके साबरमती से, काफ़ी बोल गया मैं, साबरमती से स्टार्ट हुआ था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1913 में डिप्रेस क्लास एसोसिएशन आपके फॉर्म किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक, आपके जो बहुत ज़्यादा दलित वगैरह थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए, सोसाइटी में उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने 1913 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को फॉर्म किया था। नेक्स्ट, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के ही कौन से ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था, तो वो थे आपके मोतीलाल नेहरू जी एंड सी आर दास, चित्रंजन दास, ठीक, डी। नेक्स्ट, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ। 1929 में जो कांग्रेस में INC का सेशन हुआ था जिसको आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने लीड किया था, उस INC के सेशन का ये इंपॉर्टेंस था कि वहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, तो ऑप्शन बी। हु सेटअप अवध किसान सभा। अवध किसान सभा आपके किसने सेटअप किया था, तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने और बाबा रामचंद्र जी ने, ठीक, रामचंद्र सन्यासी थे, ये इंडेंचर्ड लेबर भी थे, फिजी गए थे वर्क करने। ओके, तो अवध किसान सभा आपकी फॉर्म किया था जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र सन्यासी वाज अ लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। किस पर्टिकुलर क्या कहते हैं आपके मूवमेंट के ये लीडर थे, ठीक,
किस पर्टिकुलर, तो देखिए दिया गया सी वाला पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध, अवध में जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था, अवध में जो किसानों ने आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कहते हैं वो रिवोल्ट किया था, प्रोटेस्ट किया था, उसमें इन्होंने आपके अवध किसान सभा बनाई थी, अभी लास्ट क्वेश्चन ही था। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों किया था, चौरी चौरा कांड 1922 फरवरी का महीना गोरखपुर में। ठीक, गोरखपुर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, सत्याग्रही वायलेंट हो गए थे, उन्होंने ब्रिटिश के एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया था, जिसके कारण ये पर्टिकुलर जो पीसफुल मूवमेंट था वो क्या कहते हैं आपके वायलेंट पॉइंट उसने ले लिया था। और उसके बाद आपके फरवरी 1922 में चौरा चौरी एक्सीडेंट के बाद आपके महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉल्ड ऑफ होने के पीछे जो रीज़न था वो था चौरी चौरा एक्सीडेंट। ठीक, इंसिडेंट सॉरी। नेक्स्ट, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। नेक्स्ट, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट, हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी और इसी पर्टिकुलर किताब से इनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आइडिया भी आए थे। नेक्स्ट, वाई डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एट जलियावाला बाग। जलियावाला बाग पे जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था उस पर आपके जनरल डायर ने ओपन फायर का ऑर्डर क्यों दिया था, तो ओपन फायर का ऑर्डर इसीलिए दिया था ताकि वो आपके सत्याग्रहियों के आप जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सभी के माइंड पर एक फियर क्रिएट कर सके। देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज हिज ऑब्जेक्ट एज ए डिक्लेयर लेटर वाज टू बी प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ द सत्याग्रही। ठीक, नेक्स्ट है, वेयर डिड द ब्रूटल जलियावाला मसाक टेक प्लेस, एज यू ऑल नो दैट स्टूडेंट अमृतसर। ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉइस अनाउंस अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनेशन स्टेटस इंडिया इन अक्टूबर 1929 में डोमिनेंट स्टेटस की बात जो की गई थी वो 1929 के समय ऑब्वियस बात से लॉर्ड इरविन ही थे, इन्होंने ही यही बात कही थी। ठीक, जिसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग को स्टार्ट किया गया ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्क इन असम। ठीक, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। असम में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो असम के जो टी प्लांटर्स के उसमें वर्क करने वाले जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया था, वो सारे के सारे आपके प्लांटेशन फील्ड को छोड़कर अपने घर की ओर भाग रहे थे। जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859, उन्होंने उसके लॉ को तोड़कर वो सब वहाँ से भाग रहे थे। ठीक, लेकिन बाद में पकड़े गए थे, बहुत मारे भी गए थे बेचारे। ठीक, द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वॉज दैट। साइमन कमीशन के साथ मेन प्रॉब्लम ये थी कि सारे के सारे मेंबर्स जो सेवन मेंबर्स उसके ब्रिटिशर्स थे। ठीक, तो इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन पहला। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर लेड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट किन दो पर्टिकुलर पर्सन ने स्टार्ट किया था, तो अली ब्रदर्स थे शौकत अली एंड मोहम्मद अली, द ए वन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वट काइंड ऑफ मूवमेंट वॉज लॉन्च बाई द ट्राइबल पीजेंट ऑफ गोदाम हिल इन आंध्र प्रदेश। गोदाम हिल का ही रहने वाला था अल्लूरी सीताराम राजू, और उसी ने मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया था, बी ऑप्शन। ओके, अब देखिए हम लोग आ गए हैं अपने फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 4, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ हैं, आइए उनको देखते हैं वन बाई वन। तो पहला है, पीपल लिवलीवुड एंड लोकल इकॉनमी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज बैडली अफेक्टेड बाई द डिजीज नेम रिंडरपेस्ट। अफ्रीका में जो लोग थे रिंडरपेस्ट बीमारी आने के बाद क्या कहते हैं उनके लिवलीवुड पर बहुत बुरा असर पड़ा था। तो रिंडरपेस्ट बीमारी के आने से आपके अफ्रीका के जो लोग थे उनके लिवलीवुड पर बहुत बुरा असर पड़ा था, तो अफ्रीका इसका ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर द इंडेंचर माइग्रेंट्स। इंडेंचर माइग्रेंट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन था वो था कैरेबियन आइलैंड। ठीक, नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ पावर कलेक्टिवली नोन एज द एक्सिस पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जिनको एक्सिस पावर के नाम से जाना गया वो आपके थे जर्मनी, इटली एंड जापान, द ए वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबेल प्राइज विनर। नोबेल प्राइज विनर आपके थे VS नायका, तो इनका नाम आपको NCERT बुक में मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाई द कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ का मतलब था कि आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो हाउस ऑफ कॉमन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्लियामेंट हाउस, उसने क्या किया था कि वहाँ के फार्मर्स के इंटरेस्ट को, फार्मर्स के प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे गुड्स पे जो भी इम्पोर्ट हो रहे थे, जो भी फूड ग्रेन्स आपके ब्रिटेन में इम्पोर्ट हो रहे थे, उन सभी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो रिस्ट्रिक्शन द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न टू इंग्लैंड, ये इसका पर्टिकुलर आंसर सही है, A1। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन ट्रेड। इंडियन ट्रेड पर डायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ था,
ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1929 में स्टार्ट हुआ था उसका इंडियन ट्रेड पर क्या डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा था। तो डायरेक्ट इफेक्ट ये था कि इंडिया का जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जस्ट हाफ हो गया था। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु डिस्कवर द वास्ट कॉन्टिनेंट लेटर नोन एज अमेरिका। अमेरिका को किसने शी रूट से डिस्कवर किया था? तो सबको पता है क्रिस्टोफर कोलम्बस ने वास्को डी गामा ने किया था हमारे इंडिया को शी रूट से 1498 में। नेक्स्ट, वाई वर द यूरोपियन अट्रैक्टेड टू अफ्रीका। अफ्रीका के तरफ आपके यूरोपियन क्यों अट्रैक्ट हुए थे? तो सीधे से बात था, वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, वेल्थ भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, वेल्थ मिनरल बहुत ज़्यादा था, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा था, वहाँ की पॉपुलेशन कम थी। तो सी वन इज करेक्ट, फॉर इट वास्ट लैंड रिसोर्सेज एंड मिनरल वेल्थ। नेक्स्ट, मोस्ट इंडेंचर लेबर वर्कर्स केम फ्रॉम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। हु अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन असेंबली लाइन टू प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल्स। हेनरी फोर्ड ने आपके असेंबली लाइन क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को अपनाया था, और इस कॉन्सेप्ट ने उसने क्या कहते हैं आपके मास प्रोडक्शन किया था, कार का मास प्रोडक्शन किया था। ये पर्टिकुलर एक ऐसा मेथड था जिसमें एक ही चीज़ को बार बार, कोई भी एक वर्कर एक ही कार्य को बार बार करता था, जिससे उसके कार्य में इफिशेंसी आती थी, ठीक है, इफिशेंसी आती थी, उसका स्किल और भी इम्प्रूव होता था, जिससे प्रोडक्शन क्या प्रोडक्शन की जो पेस होती थी, प्रोडक्शन की जो स्पीड होती थी वो और बढ़ जाती थी, ठीक। तो आपके असेंबली लाइन क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने वाले आपके जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पर्सन थे वो थे हेनरी फोर्ड, ओके, इनकी कंपनी है फोर्ड, आप सब जानते हैं। फ्रॉम एंशियंट टाइम ट्रेवलर ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन अ सर्च ऑफ नॉलेज। नॉलेज के ही तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते, एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस जाते थे केवल नॉलेज के बेसिस पे कि हमारे कंट्री में ऐसा है तो आओ चलते हैं, घूम टहलते हैं, कहीं देखते हैं कि वहाँ की कंट्री में कैसा हो रहा है, क्या वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ जानकारी के लिए ही लोग क्यूरियस होते थे पहले के समय में, जानकारियों के लिए ही वो जगह जगह भटकते थे, ठीक, जाया करते थे, गुड्स देखते थे, वहाँ के लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देखते थे, काफ़ी कुछ चीज़ें, ठीक। तो इसका आंसर होगा नॉलेज। नेक्स्ट, गिव द करेक्ट रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ द हाउस होल्ड इनकम इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वहाँ के लोगों का हाउस होल्ड इनकम क्यों कम हो गया? तो सीधा सा रीज़न है क्योंकि एबल बॉडीज कम हो गई, डेथ बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, डेथ एंड इंजरीज हैड रिड्यूस द नंबर ऑफ एबल बॉडीज वर्कफोर्स। जितने भी नौजवान थे आपके यूरोप के, ज़्यादातर नौजवान आपके बैटल फील्ड में मारे गए थे, जिससे एबल बॉडीज़ की कमी के कारण उनके हाउस होल्ड इनकम पे बुरा इफेक्ट पड़ा था, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट टेक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में पुर्तगाल नहीं था, जर्मनी इंग्लैंड फ्रांस सभी थे, जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड था, पुर्तगाल आपका नहीं था। इन विच कंट्री डिड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट। तो सबको पता है ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था यूएसए से 1929 में, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज स्टॉक मार्केट के कोलैप्स हो जाने के कारण ही यूएसए में 1929 से ये पर्टिकुलर एक बहुत ही भयानक चीज स्टार्ट हुई थी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ओके। नेम द प्लेस एंड द ईयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक। आपके जो क्या कहते हैं IMF का जो ट्विंस कहा गया था ब्रिटेन वुड ट्विंस, तो वो आपके ब्रिटेन वुड ट्विंस का हुआ था आपके ब्रिटेन वुड इन न्यू हैम्पशायर USA 1944 में, ये पर्टिकुलर प्लेस पे इन दोनों चीज़ों का क्या कहते हैं वो स्टार्टअप हुआ था, ओके। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमें करना है, तो इसमें केवल एक ही दिया गया IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक, बी। अब आ गए हम लोग लास्ट चैप्टर पे, प्रिंट आर्ट और कल्चर। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, इनके बारे में भी जानते हैं, ठीक। जैसे पहला कह रहा है वाई वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों पास किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करने के पीछे यही एक आपके रीज़न था कि जो भी पर्टिकुलर लोकल न्यूज़पेपर के लोग हैं जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो भी मन का वो छाप दे रहे हैं, उन सभी चीज़ों पर बैन करना। तो इसका जो आपके क्या कहते हैं एग्जैक्ट आंसर है वो ये है कि द वर्नाकुलर एक्ट वॉज पास बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पुट सम चेक ऑन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर विच हैड बिकम एजल्टिवली नेशनलिस्ट, ठीक। तो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इन द फोर्स दैट विल स्वेप डिस्पोटिज्म अवे। हु सेड दिस वर्ड, ये मार्टिन लूथर ने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन है जो पब्लिक के ओपिनियंस को पूरे जगह पे फैला सकती है, ठीक है, और फालतू की चीज़ों को और जो समाज में गलत चीज़ें हो रही हैं उनको सबको ख़त्म कर सकती है, ठीक है। तो मार्टिन लूथर ने कहा था। द नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस एंड वेयर, सब जानते हैं जोहान्स गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था जर्मनी में।
नेक्स्ट, वेयर फ्रॉम डिड द इटालियन गेट द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग? इटालियन को वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी मिली थी चाइना से, ठीक, क्योंकि मार्को पोलो जो एक क्या कहते हैं वो ट्रैवलर था, एक्सप्लोरर था, वो आपके इटली से ही चाइना गया हुआ था, तो जब चाइना से वो इटली लौटता है सिल्क रूट के माध्यम से, तो ये पर्टिकुलर चीज़ वो लेकर अपनी कंट्री जाता है। कंप्लीट द सेंटेंस विद वन आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। द चाइनीज पेपर रिच यूरोप, तो बताया अभी जैसे कि मार्को पोलो के बारे में, सिल्क रूट के माध्यम से ही आपके चाइना से वो पर्टिकुलर इन्वेंशन, वो पर्टिकुलर आइडिया आपके यूरोप गया था। नेम द कंट्री विच रिमेन्ड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल फॉर द लॉन्ग टाइम। चाइना था, द इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना, काफ़ी लंबे समय तक। इन एंशियंट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल वॉज यूज फॉर राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए एंशियंट टाइम में किन चीज़ों का यूज़ होता था? तो पार्चमेंट का यूज़ होता था, जो टीज के बाद नहीं होते हैं उन सभी चीज़ों का यूज़ होता था पार्चमेंट का, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट जैपनीज बुक? तो ओल्डेस्ट जैपनीज बुक आपकी थी डायमंड सूत्रा। तो स्टूडेंट इस MCQ पर, ये लास्ट MCQ था, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ थे आपके हिस्ट्री से। इन सभी MCQ को क्लियर करने के बाद ये मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और भी बहुत सारी चीज़ों से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ अपने इसी चैनल पर, और बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट्स